दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। हर इंसान जो दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से। कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय है, लेकिन जो भी समय है उसी में हमें अपने सपने पूरे करने हैं, उसी में हमें अपनी जिंदगी जीनी है। हम भूले बैठे हैं कि हर एक लम्हे के साथ वक्त की डोर छोटी होती जा रही है। अब भी वक्त है, बिठा लीजिए इस बात को अपने दिमाग में। समय खरीदा नहीं जा सकता, समय पेड़ों पे उगाया नहीं जा सकता, समय किसी से उधार नहीं लिया जा सकता, समय सिर्फ कम हो सकता है। कोई तरीका नहीं इसे बढ़ाने का, और मजे की बात यह है कि आप ये भी नहीं जानते कि आपके पास वक्त कितना है। इंसान होना एक दो धार वाली तलवार पे चलने जैसा है। हमें लगता है कि जिंदगी बहुत लंबी है और अपने सपने पूरे करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। इसी ख्याल से कि वक्त बहुत है, समय बहुत है, हम वक्त बर्बाद करने लगते हैं। बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ रख के, भूल जाते हैं कि वक्त फिसल रहा है हाथ से। आप सफल होना चाहते हैं ना, आप सपने पूरे करना चाहते हैं ना, आप अमीर होना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना कि आप भी हीरे की तरह दुनिया में चमकें, तो क्या आपको पता है हीरा कैसे बनता है? एक पत्थर को दबाव, बहुत जबरदस्त दबाव झेलना पड़ता है हीरा बनने के लिए। यहाँ कौन बनाएगा आप पर ये दबाव? ये आपको खुद ही करना है, आपको खुद ही खुद पे दबाव बनाना है। हीरा बनना है तो सोच बदलनी होगी, समझना पड़ेगा कि वक्त बहुत कीमती है। आज आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन वक्त आपको बर्बाद कर देगा। आपके पास वो ताकत है कि आप समय को बर्बाद होने से रोक सकें। आपके पास वो ताकत है कि आप वक्त को बर्बाद होने से बचा सकें। लेकिन आपको तो आदत है वक्त बर्बाद करने की। अरे आदत है तो बदलो ये आदत। बहुत छोटी है ये आपके सपनों के सामने। नींद आ जाती है आपको रात में, टाइम मिल जाता है आपको टाइम पास करने का। क्या बनने का सपना देखा है आपने? ऐसा कौन सा छोटा सा सपना है आपका जो सुबह 4 बजे आपकी नींद नहीं तोड़ पाता? ऐसा कौन सा सपना है आपका जो आपको चैन से बैठने देता है? ऐसा कौन सा सपना है आपका जो आपके खून में जुनून बन के नहीं दौड़ रहा है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, दुनिया में वक्त से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। आप कल के लिए पैसा बचा सकते हैं, पैसा कम पड़े तो किसी से मांग सकते हैं, पैसा ज्यादा हो तो बांट भी सकते हैं, लेकिन वक्त, आज का वक्त आज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज जो 24 घंटे मिले हैं वो दुनिया में किसी से भी मांग के आप बढ़ा नहीं पाएंगे और ना ही इसे किसी से बांट पाएंगे। तो बंद करिए इस कीमती समय को बर्बाद करना, क्योंकि आज नहीं तो कल आप ये जरूर सोचेंगे कि जिंदगी में भले ही कुछ और ना भी होता, पर काश थोड़ा वक्त और होता। कितनी बड़ी विडंबना है कि हम सब हाथ पर घड़ी बांधे या मोबाइल पकड़े समय साथ में लिए घूम रहे हैं, पर हमारा ध्यान समय को छोड़कर दुनिया की हर चीज पर है। समय पंख लगा के उड़ जाएगा, दिन महीने साल गुजर जाएंगे। बंद कीजिए समय को देखना, इसका इस्तेमाल करिए, ये काम कर सकता है आपके लिए। शुरू करिए जीना अपने सपनों की जिंदगी, क्योंकि ये मुमकिन है। याद है ना, हीरा तभी बनता है जब दबाव ज्यादा होता है। तो दबाव से डरना कैसा, घबराना कैसा, लड़िए, आगे बढ़िए और यकीन रखिए, क्योंकि यकीन से पहाड़ भी तोड़े जा सकते हैं। आपके पास 86,400 सेकंड है, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आज आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यही आपको बार 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 करना है।
ताकि आप जी सकें अपने सपनों की जिंदगी बार 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 बार। और आप ये कर सकते हैं क्योंकि ये आपका सपना है, और अगर ये सपना देखा गया है तो उसे पूरा होना ही होगा। लेकिन इसके लिए आपको आज और अभी से ही काम करना होगा ताकि कल ये सपना एक कदम करीब हो सके। और मैं चाहता हूँ आप में समय को समझदारी से इस्तेमाल करने की समझ हो, वरना जब आप समय बर्बाद कर रहे होंगे समय आपको बर्बाद कर रहा होगा। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।